हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने जो भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, उसमें अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी है, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स आप एडिट कर पाएंगे आफ्टर 30 जून। लाइक जो आपके लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो 30 जून है, तो 30 जून के बाद फिर आपकी एक करेक्शन विंडो ओपन होगी और उसके बाद फिर आप अपने जो भी मिस्टेक्स हैं वो एडिट कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो कि आप एडिट कर पाएंगे एंड क्या क्या डिटेल्स आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में जो भी हम मिस्टेक और चीज़ों पे बात करेंगे, अगर आपने उनमें से किसी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी है, तो आपका एडमिशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा होना, बेशक आपका नाम एडमिशन लिस्ट में या फिर कट ऑफ में आ जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंड तक देखिएगा कि जो भी आपने मिस्टेक किया उसको किसी प्रकार से सुधारा जा सकता है या फिर नहीं सुधारा जा सकता, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फाइनली आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हो गई है 28 तारीख और 28 तारीख और फिर 29 और 30 30 आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो जाएगी एंड जिन जिन ने भी अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है और किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक की है, तो वो अब आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास विकल्प बचा है, तो आज की वीडियो में देखते हैं। लेट मी शो यू व्हाट आर द डिटेल्स विच यू कैन एडिट और व्हाट आर द डिटेल्स विच यू कांट बी एबल टू एडिट। सो आफ्टर कमिंग हेयर लेट मी गो ऑन द नोटिस एंड द नोटिस वी विल सी प्रोविजनल विंडो एडिट एंड देन हेयर नोटिस विल कम। तो ये जो नोटिस है ये बहुत पहले नोटिस आया था 23 तारीख 5वें महीना 2022 में। आई होप आप सभी ने ये नोटिस भी देखा होगा। तो अगर आपने देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि कौन कौन सी डिटेल्स एडिट नहीं होती हैं और कौन कौन सी डिटेल्स आप एडिट कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का अभी तक ये कंसर्न आ रहा है कि मैंने इसमें गलती कर दी है, क्या अब हो सकता है या फिर अभी कोई चांस है एडिट करने का। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा पूरा कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स आप एडिट कर पाएंगे और क्या क्या नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ये मिस्टेक्स कर दी हैं तो अब आपका फॉर्म का क्या होगा। तो देखिए, जो मिस्टेक्स हैं जो एडिट नहीं की जा सकती है, वो है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो रियल नेम है वो एडिट नहीं हो सकता है, आपके पेरेंट्स का नेम एडिट नहीं हो सकता है। इसके साथ ही जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी में अपनी ईमेल आईडी डाली है वो एडिट नहीं की जा सकती है। इसी तरह फिर आपकी सोशल कैटेगरी लाइक एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी आपने फिल करा है उसमें वो चेंज नहीं हो सकती है। इसके अलावा फिर जेंडर आपने जो भी फिल करा है वो चेंज नहीं हो सकता है आपका। और लास्ट है आपका प्रोग्राम इन विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड, तो जो भी आपने प्रोग्राम उसमें सेलेक्ट करा है, जो भी पैडागोजी सेलेक्ट करी है, वो आपकी चेंज नहीं हो सकती है। तो ये डिटेल्स हैं जो कि आप अब एडिट नहीं कर पाएंगे आफ्टर 30 जून ऑल्सो। तो अगर आपने इसमें से किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक्स कर दी है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम इन योर एडमिशन आफ्टर यू हैव योर नेम इन द लिस्ट ऑफ मेरिट। सो इफ यू हैव डन दीज काइंड ऑफ मिस्टेक, सो नाउ यू हैव वन ऑप्शन ओनली, दैट एक नया आप फॉर्म भर सकते हैं जिसमें आप सभी सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 दिन बचते हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी आपको डेफिनेटली अपने एडमिशन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब वो कैसे, तो देखिए, रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है वो तो चलिए हो जाएगा ठीक। सोशल कैटेगरी में क्या होगा कि आपने मान लीजिए EWS कैटेगरी से भरा है, बट आप जनरल हैं, आपके पास EW कैटेगरी का कोटा नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, जो आपका नाम होगा, वो EWS कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट आती है वो भी कैटेगरी वाइज भी आती है। तो आपका नाम आया EWS कैटेगरी में, बट यू आर नॉट बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी एंड यू आर जनरल, सो लाइक दिस आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते ही नहीं है। बेशक आपका नाम उस कैटेगरी में आ गया है, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, तो इस तरह से आपका एडमिशन नहीं होगा। सेम एज जेंडर, अगर आप मेल हैं एंड आपने फीमेल भर दिया गलती से और आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट यू आर सेलेक्टेड बट यू हैव मेंशन रॉन्ग जेंडर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, सो अगेन देयर यू विल फेस अ प्रॉब्लम बिकॉज योर नेम इज इन द लिस्ट ऑफ फीमेल बट यू आर मेल। सो लाइक दिस
यू विल बी नॉट एबल टू टेक एडमिशन एंड दे विल नॉट अलाउ यू टू टेक एडमिशन अंडर द रॉन्ग जेंडर सिलेक्शन. अगेन सिक्स्थ प्रोग्राम, इफ़ यू हैव सेलेक्टेड समथिंग डिफरेंट पेडागोजी एंड यू आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पेडागोजी, सो अगेन यू विल बी नॉट एबल टू give that exam, and if you have given that exam, so again the list will come and you are selected in that list. तो फिर भी आप उस लिस्ट में आपका नाम होने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि आपने अपना जो पेडागोजी है वो गलत सेलेक्ट करा. एंड स्टार्टिंग में ही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ मैंसन है अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपने ज़रूर वो सब्जेक्ट 200 मार्क्स का अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा होना चाहिए जब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे. अदर देन दैट यू आर नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन दैट लिस्ट. दिस इज हाउ यू कैन फेस प्रॉब्लम आफ्टर हैविंग नेम इन योर लिस्ट. सो अगैन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव डन दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सो नाउ स्टिल यू हैव 2 days, refill your form, redo your registration so that you will not face any kind of problem at the time of admission if you have and if you crack this exam and you have the name in the list. So I hope aap sabhi ko sari cheeze clear ho gayi hongi ki kya kya cheeze aapke edit ho payengi and kya kya cheeze edit nahi ho payengi. And marks ho gaya ya phir graduation ki details ho gayi, college name ho gaya, marks ho gaya, CGPA ho gaya, grade ho gaya ya phir other jitne bhi qualification details hoti hai, एजुकेशन डिटेल्स होती हैं वो सारी आप एडिट कर पाएंगे, बाकी डिटेल्स आप एडिट नहीं कर पाएंगे अगेन एंड यू विल फेस अ प्रॉब्लम इन योर एडमिशन. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में. एंड वन मोर थिंग, वन मोर अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव क्रिएटेड अ इंस्टाग्राम चैनल फॉर यू ऑल. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग DU/BEd एडमिशन एंड any registration form filling query, so you can reach out me there. I will be helping you there and you can directly message me on Instagram. I will be there and tell you the solution of your concern. So thank you so much and all the very best for your preparation and put more effort towards your exam preparation. I hope you will do very well in your exam and so let's see what is going to be happen. And thank you so much again for watching this channel and for watching this video. Have a nice day. Bye bye.